नमस्कार, आप देख रहे हो क्राइम तक। मैं प्रवेश पांडे, मेरे साथ है चिराग घोटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आज हम लेकर आए। अगर आपके कोई पूर्वज जिनकी प्रॉपर्टी आपके नाम पे ट्रांसफर करनी है, उनके गुजर जाने के बाद कितनी दिक्कत आती है, ये हर कोई जानता है और हर कोई इससे वाकिफ होगा कि एक बार जाने के बाद कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स जो है उनके नाम पे ट्रांसफर होते हैं। तो ऐसा ही एक सर्वे सामने आया है जिसमें पता चला है कि 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा लोगों को घूस देना पड़ता है अपना ये काम कराने के लिए, अपने प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफ़र कराने के लिए। क्योंकि सबको पता है, जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें पता है कि ये इनके लिए पैसे हैं, एसेट्स का काम कर रहे हैं, तो ये काम करवाने के लिए मुंहबोली कीमत दी जा सकती है। बस इन्हें थोड़ा लटकाया करो, मतलब डीले करते जाओ। डीले से डर से लोग मुंह मांगी कीमत देते हैं। मुंह मांगी कीमत क्या? रिश्वत के रूप में। और ये रिश्वत कम नहीं, मतलब इतने ज्यादा लोगों ने मांगा है। चिराग जी, आपको इसमें क्या लगता है कि मतलब ये तो सबको पता है, होता तो है, हर किसी के साथ हुआ होगा ये, मतलब कहीं ना कहीं जाओ देखो, पेपर वर्क लोकल कराने। सर्कल नाम की एक संस्था है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिन्होंने सर्वे किया। उन्होंने बताया कि 80% से ज़्यादा ऐसे अस्सी लोग हैं परसेंट जो प्रॉपर्टी अगर आपको ट्रांसफ़र करानी है जिनकी डेथ हो गई है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो विल नहीं बनवाते डेथ से बिल्कुल पहले, तो ऑब्वियसली उनकी उनकी जो लीगल हायर है। अब ये प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? मान लीजिए आपके नाम पर प्रॉपर्टी है, आपकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी किसको मिलेगी अगर आपने विल नहीं बना रखी कि मेरे मरने के बाद बात, इसको ये दे दी प्रॉपर्टी जाए, किसको उसको जाए? दे दी जाए? तो इस ये जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जब अब आपकी लीगल हायर्स को मिलेगी, जो भी लीगल हायर है, बेटा है या या सब बेटी है, जो जो भी है भी घर है, उनको में। मिलेंगी। अब अगर मान लीजिए वो भी नहीं हो, तो फिर और उनके जो कानून में प्रावधान है, उनके आगे के जो लिंक रिलेटिव हैं उनको से मिलेंगी। मिलेगी। सवाल ये उठता है कि जब वो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ कराने रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, जिनको हम दिल्ली सरकार में भी बिल्कुल रजिस्ट्रार ऑफिस होते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम ये चीज़ें करते हैं, वो कहते हैं कि घूस देनी पड़ती है और भयानक, क्योंकि उसमें आपको डेथ सर्टिफिकेट और लगाना है, आपको अगर विल है तो उसकी कॉपी लगानी है और तमाम ऐसी इतने फॉर्मेलिटीज़ें करनी है। पेपर वर्क इतने ज्यादा होते हैं, उसे इजी करने के लिए लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं, अपना काम, अपनी फाइलें आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, गांव का लेखपाल होता है, वो भी इससे ठीक ठाक पैसे कमा लेता है। आप अपने लेखपाल से अपने गांव का थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा भी डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, कुछ भी, आप अपने पूर्वजों का अपने नाम पे पेपर करवाना है तो नहीं इजी है। सबको पता और है कि लोगों रेट को ऐसा फिक्स लगता है, आप है, कितने भी लीगल लीगल वे में क्यों ना जा रहे हो, लेकिन उन्हें पता होता है, इन्हें तो बस 10 बार दौड़ाना है, 11वीं बार ये पैसे लाके देंगे बिल्कुल सही बात है। और इसको और इजी फंडा समझ विल अगर लिया। आपके पास है तो भी आसान नहीं है, क्योंकि विल के साथ भी बहुत सारी बहुत फॉर्मेलिटीज सारी जुड़ी है। पहले तो फॉर्मेलिटीज होती आपको ये हैं, प्रूव करना है कि ये विल जो है उसी ने, उसके सिग्नेचर है, उसने ये बहुत लिखी है विल, ये ऐसा ना हो कि किसी और ने नकली विल बनवा विल ली हो। तो बनाई हो। ऐसी बड़ी सारी टीडियस प्रोसेस है जो इस सर्वे में आया। और ये भी आया कि किस तरह से मतलब 80% से ज्यादा लोग अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कराने के लिए रिश्वत दे रहे हैं, और रिश्वत उनको दे रहे ऐसा हैं, बोला जा रहा है देनी है। जो डिपार्टमेंट में परिवेश लोग बैठे हैं, क्या वो रिश्वत कमाने के लिए उनको बिल्कुल उनको रिश्वत नौकरी दे कराने रहे हैं? वाले बैठे हैं। आप एक नॉर्मल लेखपाल को देख लो, अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूम रहा है, अच्छे पैसे कमा रहा है, और ये बहुत ही, मैं तो पूछना चाहूंगा व्यूअर्स, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपसे किसी ने रिश्वत मांगी हो अपना ही काम करवाने के लिए? भले ही आप कितने भी लीगल थे, आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं था, लेकिन अपना खुद का काम कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं बहुत सच है, जब प्रॉपर्टी का मैटर आता है तो लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, और इतने पैसे देने पड़ते हैं, मुंह बोली कीमत होती है। पूर्वज की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मांग लेंगे 5 लाख रुपए, तो आप सही। ऐसा सोचोगे ना, काम लटक ना जाए, क्योंकि अब आप ये ऑफिसर्स सोचिए कि हैं। ये तो एक केस के बारे में, ऐसे कितने केस उनके पास आते हैं, और अगर 5 लाख को मल्टीप्लाई कर ले प्रॉपर्टी से तो कितने पैसे होते हैं। बहुत मुझे याद है एक मेरे रिश्तेदार का फोन आया कि भैया मैंने एक प्रॉपर्टी ली है और मुझे उसको रजिस्ट्री करवानी है, ये मुझसे पैसे मांग रहा है। तो मैंने उस ऑफिसर से बात की और उसका काम फ्री में हो गया, वो बड़ा उछल रहा था, देखिए, बहुत खुश हम हुआ। तो मीडिया वाले तो थोड़ा मैं डर आपको क्या के, बताना चाह हाँ रहा हूं बिल्कुल, कि लोकल लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल मुश्किल है। है, और सबसे बड़ी बात ये रिश्वत का जो कीड़ा है ना, ये ऐसा कीड़ा है कि ये ईमानदार आदमी को भी काटता है एक आध बार। और ये ऐसी चीज है कि आपको ना अट्रैक्ट करती है, आप नहीं लेंगे तो भी मरेंगे, आप लेंगे तो मरेंगे ही मरेंगे। आप नहीं ले रहे तो आप इस गिल्ट में रहते हैं कि यार मैंने तो नहीं नहीं ली, देखिए क्या मैं ले लेता, अच्छा ये देखो मैंने नहीं ली एक टाइम की बात, अब तो देखो मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, चिराग मुझे जी, जरूरत है, अब मुझे ले लेनी चाहिए थी, बिल्कुल मैंने गलती कर दी, तो ये गिल्ट आपको रहेगा। आप अगर ले लेंगे तो ये गिल्ट रहेगा, अरे मैंने क्यों ले ली, मेरी तो ये मेरा तो काम ही नहीं था, सही ये मेरी तो सैलरी मिल रही मुझे सरकारी, मैंने तो पाप कर पाप दिया। कर और फिर दिया। धीरे धीरे वो पाप जो है उसको आप डिफाइन कर देते हैं, वो बन जाता है पुण्य, यानी कि आपको गिल्ट होना कम हो जाती है। कई लोग कहते हैं आप ले लो ना, थोड़े दिन बाद चिराग अपने जी, आप ठीक हो इसमें जाएगी। इसमें एक चीज है, देखिए बहुत ना बहुत ये यंगस्टर्स जाते हैं, वो ऐसा ठान के रहते हैं कि मुझे काम करना है, मैं घूस नहीं लेऊंगा, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि उसे ऊपर लेवल तक पैसे पहुंचाने, तो उसे घूस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका ट्रांसफर कहीं और कर देंगे, कहीं बेकार से डिपार्टमेंट या ऐसे डिपार्टमेंट में जहां कुछ काम ना हो, जहां कुछ
मतलब जो वो इनिशिएटिव लेके आया था, देखिए पुलिस आईएएस देखिए हर जगह होता सरकार है, ने क्या ये विभाग इसलिए बना रखे हैं कि वो रिश्वत पैसे ले, छापने के नहीं पैसे विभाग। छापने के, क्या ये जो लोग हैं ये क्या बहुत मल्टी टैलेंटेड लोग हैं जो यहाँ सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि आम आदमी गरीब आदमी की, या गरीब नहीं कहूँगा मैं तो कहूँगा ठीक ठाक आदमी की जेब काटे। आदमी क्या बोलता है जो पैसे ले रहा है, ये भी तो चोर है जो दे रहा है, छूटते कहते ये भी तो चोर अरे है, इसको तो चोर पता थोड़ी नहीं ना है, वो चलता। अपना काम जल्दी कराने के कई लिए बार ये भी डर के कहते हैं ना, मारे दे देखो देते। कितने इसने बना रखे हैं यार, इसकी बिल्कुल तो 50 प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी में अगर दे देगा तो कौन सी आफत आ रही है। ये बातें चलती है और आपको यकीन मैं दिला दूं एक चीज, कई लोगों को गिल्ट होती है, कई लोगों को नहीं होती है, कई लोगों को बहुत टाइम के बाद होती है और कई लोगों को बिल्कुल बिल्कुल नहीं होती है। जैसे प्रवेश ने बड़ी अच्छी बात बोली, प्रवेश ने कहा जी मैं नहीं लूंगा, मैं अपना ईमान नहीं बेच सकता। बहुत बिल्कुल अच्छी बात है, नहीं बेचना चाहिए ईमान, बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अगर आपकी जेब में कोई 1 लाख रुपए ऐसे रख दे, सिर्फ रख दे, बिल्कुल। क्या रिएक्शन होगा आपका? और चिराग जी जरूरत जरूरत, रिएक्शन क्या होगा? हाँ पहले तो ऐसा लगेगा अरे इतने पैसे, देखिए आपकी आपको सैलरी है आपको दस बस एक हजार ही चीज रुपए बचा सकता है रिश्वत लेने से, वो है डर। जब तक आपके मन में डर होगा कि यार ये गलत पैसा है, ये लूंगा मैं तो आगे जाके मुझे भुगतना पड़ेगा, इसका उसका कौन? उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं। ये आप ऐसे सोचते हो ना, गलत है बहुत, मैं डर है, आपको नहीं लिया आपने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप कहते हो ऐसी तैसी में जाए डर, अभी तो बहुत लोग मैं, यही करते अब मैं हैं मर तो रही पहले, हूं, मैं मर तो मैं रही हूं, मैंने 20 दिन और मर गया, 25 दिन और मर गया, मैं ऐसे ही मरता रहूंगा, देखो मैं अस्पताल में खड़ा हो गया, मेरे पास तो बिल्कुल इतने पैसे नहीं कि मैं जो अपनी माँ का इलाज करा सकूं अच्छे अस्पताल में, देखिए अच्छा ट्रीटमेंट दिला सकूं। ठीक है यार डर की ऐसी चिराग तैसी खेली जी, तो जाऊंगा, मैं ले लेता हूँ पैसे, चिराग जी हमें याद ऐसे करते है, हैं लोग। हमने हमें याद है, हमने वो आईपीएस ऑफिसर की जब उसके यहाँ से पैसे पकड़े थे तो हाँ हमने उसका इंटरव्यू किया था बाद में, तो हाँ उन्होंने क्या बोला था, एक बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बोली थी हाँ कि पहली बार डर लगा था और मैं हाँ करना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं हाँ एक सिस्टम का जरिया बन गया था, क्योंकि मेरे आगे पीछे एक सर्कल बन गया था, एक कोकस बन गया था, उसमें मैं फंस गया था, मैं नहीं लेता तो भी फंसता, लेता तो भी फंसता, तो नहीं, लेकिन मैंने एक बात और ले, भी है कि अगर हाँ आप आपने ठान लिया कि नहीं लेना है, बहुत किसी और ऐसे से मांगना ऑफिसर्स है। हैं नहीं लेते, 1 रुपए नहीं लेते, ऐसे काम करते लोगों लेकिन फिर मैं के, बताऊं उन ऑफिसर्स के साथ क्या है, उनके ट्रांसफर कर दी जाती है यस जंगलों और में। सुनिए दूसरी बात क्या है, फिर उनको दाल रोटी खाने में पसंद है, उनकी वजह से कई बार ऐसा होता है उनका परिवार भुगतता है, उनकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि उनके परिवार के एक एक शख्स परेशान रहता है, वो कहता है कि रिश्वत इसने कहा, इसने तो ली नहीं कभी रिश्वत, अब देखो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, उसके बच्चे उसको सजेस्ट करते हैं कि लेकिन क्या, पिताजी लेकिन पिताजी तो ये चीज तो हमारी, सोचनी पड़ेगी कि आप एक एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप देखिए भले ही आप बीएमडब्ल्यू में ना घूमे, आप अपने टाटा सफारी में ही घूम रहे हो, लेकिन आपके मन को संतुष्टि होनी चाहिए ना। चिराग जी मैं एक 200 वाला शर्ट पहन रहा हूं या 400 वाला शर्ट पहन रहा हूं, 1,000, मेरे को जिस दिन एक विद्वान से संतुष्टि पूछा गया कि होगी। पाप क्या है, तो उसने बोला कि जो आपको संतुष्ट करे वो पाप नहीं है, जो संतुष्टि ना हो वो पाप है। तो फिर तो ऐसे में तो हर इलीगल काम पापी को पापी नहीं, मतलब पाप नहीं लगेगा, उसने तब तो ऐसे करता जस्टिफाई किया, जाएगा। उसने ऐसे ये जस्टिफाई तो बहुत किया। ही गलत थ्योरी है, मेरे हिसाब से तो बहुत गलत एक थ्योरी मेरा है। दोस्त देखिए था, ये एक कहीं मेरा ना दोस्त था, उसके उसको रिश्वत का ऑफर था, तो उसने रिश्वत ली नहीं, बाद में बड़ा रोया कि यार मैं ले लेता, मैंने क्यों नहीं ली। जिस आदमी, जो आदमी उसको रिश्वत दे रहा था, और एक टाइम ऐसा आया कि उसको उससे काम पड़ गया, उसने उसको बोला भाई मेरा काम कर दे, उसने काम ही नहीं किया उसका, उसने कहा अरे भाई मैंने तेरे से तो रिश्वत नहीं ली थी, तेरा इतना बड़ा उपकार किया था तेरे ऊपर, अब तो मेरा काम कर दे। उसने कहा अरे जमाने की बात है यार, नहीं ली तेरी गलती है, लेनी चाहिए थी, मैंने मना किया था तुझे, मैं तो देने लेकिन को ये तैयार कहीं ना कहीं था। चिराग जी गलत है ना, इसी नहीं के इसी मैं के ये आप इस, मेरी वीडियो से बिल्कुल या मेरे वाणी से ये मत समझिएगा कि रिश्वत बिल्कुल, लेनी है, लेकिन आप जो बातें कह रहे हो कहीं ना कहीं सत्य है, लेकिन सत्य बिल्कुल। ये तो इंपॉर्टेंट है, लोग इतना बढ़ क्यों रहे पैसे की तरफ, ठीक है, घूसखोरी इतनी बढ़ क्यों रही है? पहले तो सैलरी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही क्योंकि ये धरना नहीं देते, कभी मैं आईएएस ऑफिसर या किसी को भी नहीं टैलेंट नहीं है देखा, लोगों में, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, आसपास इतना ऑड इवन देखने को मिल रहा है, आप बिल्कुल इतना ऑड इवन किसी आप को दे, पैसे इतने ज्यादा दे दिए, किसी को कुछ कुछ नहीं, नहीं है। तो लोग उसको इजी जरिया बनाते हैं कि कुछ ना कुछ क्राइम कर लो, क्राइम हाँ यही है, क्राइम रिश्वतखोरी। नहीं करो तो हाँ भैया, अगर कोई आदमी ठीक है आप जैसा और मैं जैसा तो मर्डर तो करेगा नहीं, दूसरा क्या ऑप्शन है यार, भ्रष्टाचारी कर लो, क्यों यार, ठीक है यार कोई बात नहीं, हम जैसा लोग और होंगे हम डर जाएंगे, नहीं यार, नहीं यार, हमारी पिताजी की इमेज है, हमारी माँ की इमेज है, चिराग हमारे माँ बाप, हम जेल चले जाएंगे, हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरी बीवी रोएगी, मेरे बच्चे रोएंगे, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता ये सब मुझे नहीं करना, आप हम ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन एट द एंड मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो ये सब बोलते थे प्रवेश, बिल्कुल लेकिन एक टाइम के बाद उनकी परिस्थिति बदली और उन्होंने भी रिश्वत ली, और बड़े बड़े लोगों ने भी जो ईमानदारी के तो इस पुतले थे ना, एक रिश्वत टाइम के लेने, बाद वो भी बदल अगर गए। आपका विनोद भाई गलत बोल रहा हूँ क्या चिराग मैं? जी कैसे कैसे बचा कैसे सकते हैं, मतलब अपने अगर देखिए कोई, मतलब बहुत सारे मेरे जैसे बहुत सारे यूथ आज बहुत सारी नई नई चीजों में जा रहे होंगे, कोई आईटी में, कोई पुलिस में, कोई सही बात मिलिट्री, है, तो ये लोभ से कैसे बचे? इसका कोई तरीका नहीं, इसका एक तरीका है क्या चिराग जी, एक डर,
एक डर जो होना चाहिए हर किसी कितना के डर, दिमाग, मैं तो हर बोल एक ही बच्चे के दिमाग में होना चाहिए, उसके पेरेंट्स जब उससे बात कर रहे तो डर उसके दिमाग में हो नहीं, कि बेटा ये करने से जो गलत पैसा आ रहा है इससे आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ये गलत पैसा तुम्हें, उसे एग्जाम्पल्स दो ना, कितने लोगों ने गलत पैसा कमाया, वो आज जेल की सलाखों के पीछे, सुकेश चंद्रा देख लो, बहुत सारे लोगों तो कहते हैं कि मर्डर भी मत करो, लेकिन फिर भी होते हैं। होते हैं। तो लेकिन समझाना तो आपका ही काम है ना, क्राइम सिर्फ समझा रुकेगा नहीं, सकते हो, लेकिन अगर आप समझा रहे हो, सिर्फ समझा सकते हो। मैं व्यूअर्स आपसे लालच आ गया तो कुछ कह नहीं सकते चिराग जी, मैं तो कह रहा हूँ आप बताइए, चलिए आप व्यूअर्स हैं आप बताइए, इसका कोई तरीका है कि ऐसा हो कि उसको इतनी कड़ी सजा होगी, ये होगी फलाना होगी, ये सब तो हम देखते हैं भाई, आप रेप करोगे ब्रूटल तरीके से करोगे, आपको फांसी भी होगी, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक बंदे की सोच के ऊपर है कि वो किस तरह से सोच रहा है और वो और उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटी वो क्या है सोच लाइफ में, कहां से लाता है, स्टार्टिंग सीखता कहां से, घरों सब से, समाज चीजों, से घर, आसपास देखता समाज, हो, तो वही तो उसके आसपास तो की या तो चीजें फिर अच्छी उसको रखनी, अंधा कर दो, वो अंधा नहीं करना है देख ही उसके, नहीं अच्छे पाएगा सराउंड कुछ, में, आप अपने बेटे को अच्छे स्कूल में क्यों डालते हो, इसीलिए क्यों अच्छी शिक्षा ले, तो अच्छे लोगों के बीच में रखना है कि अच्छी चीजें बताओ उसे, सही गलत स्टार्टिंग से बताओ, बेटा 10 रुपए सड़क पे गिर गया तो ये किसी और का है, जाके दे के आओ, ठीक उठाकर है घर पे ठीक है लाके ठीक यूज है। नहीं करना है, पहले पूछो किसका है, नहीं लेकिन मिला तो एक आप टाइम के उसको, बाद जब उसको लगेगा कि उसके आपने दूसरे केस मुझे दोस्त, याद है, एक बच्चे को 10 रुपए मिले थे, उसने पुलिस स्टेशन में जाके 10 रुपए दे दिया था, हाँ नहीं मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपका बेटा ये कहेगा कि पापा देखो उसका तो इतना बड़ा बिजनेस है, आपने तो कुछ तो नहीं उसे किया। समझाना पड़ेगा, बेटा तुम्हारा पिता जो कमा रहा है पता है ये ईमानदारी से रिश्वत कमा लेने रहा वाले है, एक बात और बोलते हैं, आप नहीं ले रहे ना, आपकी औलाद आपको गाली देगी। वो लिटरली तो आपकी औलाद आपको गाली देगी, कहेगी ना देखो एक टाइम के बाद मैंने लेकिन एक पिताजी का टाइम भी को कुछ जब नहीं वो किया। समझदार होगा ना, वो चीजें समझेगा ना, बोलेगा मेरा पिता ईमानदार था, उसने 1 रुपए नहीं लिए और मैं गर्व से कह सकता हूं, चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, बिल्कुल मैं रिश्वत नहीं लेता, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसे लोगों से बिल्कुल, सुनी है आप सारी बिल्कुल बातें। ये सही आप बात है, मुझे बताइए कि इस मुद्दे पर आपका क्या रिएक्शन, व्यूअर्स आप क्या कहते हैं, रिश्वत लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, क्या बोलते हैं आप? चलिए बिल्कुल धन्यवाद।